मगर एक छोटे से छोटे दुकान वाला हर एक जगह वो डस्टबिन रखता, साफ सफाई में ध्यान देता है। जब वोट की जरूरत होती तब ये आते हैं, इसके बाद ये गायब हो जाते हैं। सर मोदी जी के एक नहीं हजार ऐसे काम है सर जी, नहीं गुंडा राज नहीं चाहिए सर जी हमें, विकास। और अपनी जेब नहीं चाहते कि हमारे घर का कोई लड़का नौकरी में लगे, ये नहीं चाहते, विकास चाहते हैं। मुस्लिमों से विरोध नहीं है, कोई बुराई नहीं, वो भी मेरे भाई हैं। कहाँ से हैं आप? हम रीवा से हैं सर। अच्छा, कैसा लगा आपको प्रयागराज? प्रयागराज इतना सुंदर स्थान है सर जी, ये अपने योगी जी के आने के बाद यहाँ पे इतनी बाथरूम की सुविधा, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, इतनी अच्छी व्यवस्था ये पहले देखने को नहीं मिली। जब से मोदी जी आए हैं सर जी और अपने योगी जी, हर एक दुकान वाला हर एक व्यक्ति एक डस्टबिन रखना शुरू किया है। इसके पहले कोई डस्टबिन नहीं रखता था, जिसका मन पड़ता था वहीं कचरा फेंक देता था, मगर एक छोटे से छोटे दुकान वाला हर एक जगह वो डस्टबिन रखता, साफ सफाई में ध्यान देता है। ये बताइए शिवराज सिंह चौहान का रीवा में मतलब कुछ काम वाम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे सर जी? वो तो कर रहे हैं, मगर जो विधायक लोग हैं इसमें उनको परिवर्तन कर देंगे सर जी इस बार, जैसे वो बदल जाएंगे। राजेंद्र शुक्ला जी हैं, गिरीश गौतम जी हैं विधानसभा अध्यक्ष, और सेमरिया विधायक जी हैं KP त्रिपाठी। ये सर क्या है कि नहीं कर रहे हैं सेवा तो जनता। ये बताइए कि जैसे आप ये कहें कि बदल ले तो किसकी सरकार आने की उम्मीद है? ये उधर हमें कांग्रेस की सी, कांग्रेस, हाँ कांग्रेस को लाएंगे सर जी। क्यों बदल रहे हैं? इसलिए कि हम 25 साल से इनको वोट कर रहे हैं, बीजेपी को, बीजेपी का झंडा ही पकड़े 25-30 साल से सर जी। मगर अब जब एक ध्यान नहीं दे रहे हैं, छोटे छोटे मतलब पानी की व्यवस्था या रोड की व्यवस्था या सरकारी व्यवस्था नहीं दे कर रहे हैं सर जी, बस वही जब वोट की ज़रूरत होती तब ये आते हैं, इसके बाद ये गायब हो जाते हैं सर जी। इसलिए चेंजमेंट करना चाहिए। ये बताइए 2024 में चुनाव है जी, तो किसको प्रधानमंत्री बना? प्रधानमंत्री तो पूरा इंडिया मोदी जी को ही बनाएगा। अच्छा। और राज्य में बदल लेंगे सर जी। अच्छा। क्यों मोदी जी को मतलब मोदी जी के एक नहीं हजार ऐसे काम है सर जी कि उनको गिनाना शुरू करो तो हजार से ऊपर जाएंगे। मोदी जी को अभी कोई नहीं हिला सकता है, उनको भारत के गुरु नहीं विश्व गुरु बोला जा रहा है। कल ही 24 तारीख को रीवा में आए तो उनको अभी फिलहाल तो 5-10 साल तो नहीं, कोई नहीं डगमगा सकता। जैसे मोदी जी के बाद किसको आप अगला प्रधानमंत्री के रूप में देखेंगे? योगी जी। क्यों योगी जी को आप मध्य प्रदेश से हैं, आप योगी जी पसंद कर रहे हैं? उनका काम सर जी। अच्छा। काम उनको पूरा देश मतलब हमें भर नहीं पूरा देश है, मोदी जी के बाद योगी जी को कर रहे हैं। बाकी तो कई हमारे नेता हैं, अमित शाह जी हैं, गडकरी जी हैं, हाँ। शिवराज जी भी हैं, इनको इतना लाइक नहीं करते हैं जितना अपन योगी जी को लाइक करते हैं। योगी जी के किन कामों को आप पसंद करते हैं? उनके पहले तो सत्य धर्म। अच्छा। सत्य धर्म, हाँ। मतलब फर्जीवाड़ा नहीं, गुंडा राज नहीं चाहिए सर जी हमें। आज कल ही के मैं फेसबुक में देखा हूँ, भोपाल में लोहा मार्केट है, वहाँ पे मुस्लिम समुदाय के लोग हमला कर रहे थे लेडीजों के ऊपर। तो ये सब ना हो सर, कोई भी राज्य हो वहाँ बराबर धर्म और कर्म। आपको लग रहा है कि मोदी योगी जी ये इससे निजात दिला पाएंगे? 100% दिला पाएंगे सर जी। योगी जी अगर रहे तो ये हो के रहेगा जी, 100% सर जी। और सब इनके साथ, सब धर्म में है सर जी, सत्य का साथ देंगे, असत का साथ कोई नहीं देगा, क्षणिक है असत। अच्छा, क्या मांग रखते हैं 2024 में प्रधानमंत्री? यही मांग है कि सर जी विकास, और अपनी जेब नहीं चाहते कि हमारे घर का कोई लड़का नौकरी में लगे, ये नहीं चाहते, विकास चाहते हैं। एक छोटा सा गरीब है उसको भी आप ध्यान दें और बड़े को भी ध्यान दें, और विकास ही चाहिए, जन सेवा निःशुल्क सेवा यही होना चाहिए सर जी। ये बताइए जैसे हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है, हाँ, हाँ। तो आप इस पर क्या सोचते हैं, आना चाहिए? 100% सर जी, हिंदू राष्ट्र तो ये है पहले से, ऑलरेडी ये बनेगा,
और उधर आपके छतरपुर के बागेश्वर धाम जी भी लगे हैं, वही मांग किया योगी जी भी लगे हैं सर जी, और इसमें तो कोई मतलब संख्या की बात नहीं है सर जी, ये होना ही होना है जी। और नहीं भी अगर हुआ तो हम तो हिंदू हैं सर टोटल ना, हमें मुस्लिमों से विरोध नहीं है, कोई बुराई नहीं, वो भी मेरे भाई हैं, मगर अधर्म ना हो करें सर जी, असत्य में वो भी रहें अपने उसमें। हिंदू मैं हूँ तो मैं भी अपने धर्म में सत्य में रहूँ। यही बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके सर जी, थैंक।